प्लेस पर पोताना मुद्दा रजू पण करे छे। आपने जणावी दे के मुंबई में लेटर बॉम्ब थी कांग्रेस में भूकंप आव्यो छे। नाना पटोले ने हटावा माटे हाई कमांड पत्र आपवामां आव्यो छे। कांग्रेस ना पूर्व अध्यक्ष बाला साहेब थोराट नो कांग्रेस प्रमुख ने पत्र छे। बाला साहेब थोराट ना राजीनामा बाद नाना पटोले स्पष्टता छे तो कांग्रेस ना नेता आशीष देशमुख नी पण हटावानी मांग छे। नाना पटोले जणाव्यु छे कि मने राजकारण आवडतुं नथी। तेमणे जणाव्यु छे बीजू के हुं आवी गंदी राजनीति क्यारे नहीं करूं। नाना पटोल द्वारा नागपुर में आवी प्रकारनी एक बाजु स्पष्टता करवामां आवी रही छे। बीजी बाजु महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख ने हटावा माटे पत्रों पण वायरल थई रह्या छे। आ लेटर बॉम्ब थी कांग्रेस में जबरदस्त गभराट फैलाई गयो छे कि कोने आ वखते ते पद माटे रखाशे। कारण के एक बाजु कांग्रेस प्रमुख ने हटावानी वात छे, सामान्य वात नथी। तेना आधीन कांग्रेस पार्टी नी अंदर अनेक नेताओ चर्चा करी रह्या छे आ लेटर बॉम्ब ना कारणे। अडानी ने खराब किया है, नरेंद्र मोदी के मित्रों ने खराब किया है। देश के जनता के पैसे रोज लूट रहे हैं। देश जीएसटी जैसे गब्बर सिंह टैक्स लाकर राहुल जी यही कहते थे गब्बर सिंह टैक्स, आज वही जीएसटी आज गब्बर सिंह टैक्स बन चुका है। आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी से पैसा वसूला किया जा रहा है और उनके मित्रों को दिया जा रहा है। वो रोज अमीर बनते जा रहे हो और मध्यम आदमी और गरीब आदमी रोज बर्बाद होते जा रहा है। और इसलिए ये लड़ाई हमारी है। और आज अडानी जी के बारे में लोग आम आदमी क्या बोलते हैं कि भाई देख रहा था कुछ सोशल मीडिया पे, आप अडानी को जानते हैं कैसे, आपके जैसे मीडिया ने लोगों को पूछा, हाँ वो डाकू लुटेरा। ऐसी इस तरह से एक अच्छा औद्योगिक समाज अपने देश का एक व्यक्ति जो अपने मेहनत से बड़ा हुआ ऐसा हमें लगता था, लेकिन अब आम आदमी के बारे में देश की मोदी की सरकार के वजह से अडानी जैसे आदमी को भी बदनाम होना पड़ रहा है। बड़ा एक प्रश्न जनता के सामने आया है और कांग्रेस उस सवाल से पूछ रहे कि LIC को पूछ रहे। कल हमने LIC के सामने आंदोलन किया, बैंकों के सामने आंदोलन किया। हम सवाल पूछ रहे कि भाई कितना पैसा दिया, कौन से कागज के आधार पर दिया, वो पूछने का अधिकार हमारे को है और हम पूछना चाहते हैं। लेकिन बैंक और LIC वो बात बताने को तैयार नहीं है एक्चुअली। और ना लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो, और राज्यसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सरकार को सवाल पूछ रहे, लेकिन सरकार अपने मित्रों के पापों को छुपा रही है, जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है। कांग्रेस ने वहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी मांगी है इस इशू पर, सरकार तैयार नहीं है चर्चा करने को। लोकसभा और राज्यसभा बार बार बंद होते जा रही है। इस तरह से देश में एक अलग तनाव पैदा हो चुका है। एक तरफ चीन ने हमारे देश की कई सीमाओं पर कब्जा कर चुका है, उसके बारे में भी नरेंद्र मोदी की सरकार BJP बात करने को तैयार नहीं है। और ये सब देश के सामने बड़े प्रश्न खड़े हो चुके हैं। सरकार क्यों नहीं बात करना चाहती अपोजिशन से और देश की जनता को सच क्यों बताना नहीं चाहती, ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी पूछ रही है और सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये लोकतंत्र का खून करने का पाप BJP जो कर रही है उसके बारे में हमें चिंता है। और लोकतंत्र बचाना ये कांग्रेस का सबसे बड़ा दायित्व जाता है और कांग्रेस वो काम कर रही है। देखो ने वो तो किसी को भी क्लीन चिट दे सकते। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी जब भी मंत्रिमंडल में जब फडणवीस की सरकार थी तो फडणवीस के मंत्री जब भ्रष्टाचार में लटकते थे तो फडणवीस विधानसभा में ही उनको क्लीन चिट दे देते थे। वैसे ये भी क्लीन चिट दे रहे, लेकिन बात करने को तैयार क्यों नहीं है? अपोजिशन से बात करना चाहिए, जनता को सच बताना चाहिए, चर्चा से क्यों सरकार भाग रही है, ये सवाल हमारा है। इसकी शिकायत उन्होंने हाईकमान को की और इस्तीफे की उनकी बात सामने आ रही है। देखो मुझे ये सब इशू का मुझे मेरे पास कुछ समय नहीं है और मेरे को कांग्रेस की विचारधारा